हमने आपको क्यों बुलवाया है? महारानी जी, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? महारानी बाबा जी, देखिएगा हमारे भाग्य रेखा में क्या लिखा है क्या नहीं। महारानी जी, तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपके हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है? हाँ बाबा जी, अवश्य बताऊंगा महारानी जी। देखिएगा, दिखाइए मुझे अपना। बाबा जी, और की साल नौ हो गए मेरी शादी हुए, और साल नौ हो गए मेरी शादी हुए, और एक तूफान जैसी जवानी मेरी। बाबा जी, महारानी जी, तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपके हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है? क्या लिखा है बाबा जी, देखिएगा। दिखाइए महारानी जी, मैं बताता हूँ आपके हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है। महारानी जी, योग तो ठीक कोई मेरे स्वामी का प्रसाद ले लीजिए, हो कि संतान बाबाजी। अगर आप हमारे स्वामी जी का प्रसाद पाओगी ना, तो आपको पुत्र अवश्य होंगे महाराज। बाबाजी, तो लाइएगा, हमें प्रसाद दीजिएगा। अभी दे रहा हूँ महारानी जी, अभी दे रहा हूँ। ठीक है, लीजिए महाराज। क्या हुआ महारानी जी? इस प्रसाद में शिवत नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकती? इस प्रसाद जो अपने कक्ष में सोने जाओ ना महारानी जी। अच्छा, सोते के समय पा लेना, आपको पुत्र अवश्य होंगे महारानी जी। अरे बाल, ये प्रसाद आपकी योग का नहीं है। कहे बाबा, बच्चा प्रसाद के लिए। इस प्रसाद को जो भी ग्रहण करेगा उन्हें पुत्र होंगे। लैले लैले साढ़े 1400 रुपया मिली। अभी चोदिया महल जरूरी विनती करे बाबा, प्रसाद दिन दिन
और जो खाए ही नहीं प्रसाद तो समझो टमाटर फूल यार। अच्छा फूल दवाई कौन बात नहीं रहा लेकिन जान हो ही कौन की प्याट चिर वो प्याट चूतिया को दे के दुर्दशा करावे हम प्रसादे ना ले पे बाबा जी हमका ना प्रसाद चाहिए। दरबारियों जाओ बाबा जी को ले जाओ हमारी तरफ से बाबा जी को एक थाल सोना और एक थाल चांदी देकर राज दरबार से बाइज्जत बाबा को रुख्सत किया जाए। ठीक है महारानी जी चलिए बाबा जी महारानी जी की तरफ से एक थार सोना एक थार चांदी देकर राज दरबार से तुम लोगों को रुख्सत करते हैं। क्यों नहीं लेकिन हम दोनों क्या देना चाहते हैं? आप लोग भी कुछ देना चाहते हैं? क्या दोगे मुझे? हम लोग दरबारी हैं यहाँ के क्या दोगे? चलिए तुम्हारे लिए एक बढ़िया आलीशान मंदिर बनवा देंगे तुम्हारे लिए एक बढ़िया आलीशान मंदिर बनवा देंगे और वह बाबा के लिए एक ठाई समाधि। नारायण नारायण। चलो बाबा किसी साधु का किसी साधु का शरीर छूटने से पहले उसकी समझी बन जाए ऐसी अच्छी कौन सी बात होगी? तो भी चलिए बाबा आइए चलिए बच्चे ओ शंकर महारानी जी जाओ मेरा बिस्तर लेकर आओ मैं आराम करना चाहती हूँ। जी शंकर जी देखिए बाबा जी ने कहा है कि महारानी जी आप हमारे इस प्रसाद को जब अपने आराम कक्ष में आप सोते समय इस प्रसाद को पालोगी तो आपको पुत्र जरूर होगी। ये बात तो कहा है। इस प्रसाद को मैं खाकर और आराम करना चाहती हूँ तुम अपने गेट पर ड्यूटी दोगे और वो अपने गेट पर ड्यूटी देगा। ठीक है आप बेफिक्र होके आराम कीजिए बराबर गेट पर ड्यूटी देते रहेंगे कोई नहीं आएगा। ठीक है
शंभू शंकर का मराई। अरे बाप हो क्या? अरे महारानी जी देखो हम लोग कौन है, हम लोग आपके नौकर हैं। अरे राज माता, अरे बाबा के प्रसाद। आराम दादो, शंभू और शंकर तुम। अरे उठा उठा पटक रही हो, पहले क्यों नहीं बता? अरे बाप रे बाप, यह प्रसाद इतना गर्म है। ये राज माता और बच्चे, हमको बच्चे का पिलाई हुई तो बच्चे मजा आ गई। अरे राज माता, आपको ये प्रसाद खा के क्या हो गया? हम लोग तो शंभू शंकर आपके नौकर, हम लोग भारत बता नहीं सकता था पहले। अरे चिल्लाई तो है, तुम्हें तो गर्मान हो। कुर्सी लगा रहे लगा ये। अरे राम हो, पापा की दवाई अब रात भर का कराई। शंकर हुआ जी, इसी वक्त जा। हाँ बाबा को बुलाई। हम तब जाके मेरे बेटे भारत से कह दे रहा हूँ कि तुम्हारी चाची माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब आई जा रहे हैं। अरे मेरी माई, जाओ जल्दी से। इतना प्यारी है तू मेरी चाची माँ, शुक्रिया। दरबारी कह रहा था कि आपकी तबीयत खराब है, आपको क्या हुआ है चाची माँ? वो मूर्ख है, हमें क्या हुआ है? क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है चाची माँ? मैं तो घबरा गया कि मेरी चाची माँ को हो क्या गया है। चाची माँ, आपका बदन बहुत जोरों से चल रहा है, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपका बदन बहुत जोरों से जल रहा है। हेलो, ये आगे हमारे घर मालिक साहब। किस लिए बुलवाया है? चाची माँ, आप आज्ञा करें, आपका बेटा भारत आ गया है। चाची माँ, अगर आ गया है तो बैठ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तबीयत आपकी खराब है, आप बैठे, मैं आपके पैर दबाता हूँ। चाची, अरे पागल है तू, पैर दबाने की जरूरत नहीं है, बैठ फिर मैं ए भारत, तो प्यारे भारत कहूँ क्या सकुनी आज तक प्यारी तेरा मैं पाई नहीं, मैं तड़पती रही एक औलाद से। आज तक प्यारी तेरा
मुझे शर्म आई नहीं, और हो के माता करे बेटे से गुफ्तगू, शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं, हो के माता बैठ करके तू मुझे प्यार कर, तेरी सूरत है मुझको भुलाती नहीं, आगे बैठ कर दूर पूरब के पश्चिम चाहे उदय चांद तारे चली चाहे चाहे बदल, पर मेरी बात को सुन ले ऐ चाची मां, मैं करूंगा नहीं ऐसे खोटे करम, पर मेरी चाची मां आप कैसी बातें करती है, अरे मैं आपका बेटा भारत, आप मेरी माँ है, आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है, आपकी तबीयत सच में खराब है चाची माँ, पागल है तू, भगवान के लिए मुझे जाने दे चाची माँ, मैं जाने दू, तू कहता है चाची माँ पागल, कोई मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, बहुत प्यार करती हूँ तुझे चाची माँ, मैं बेटी का कितना पवित्र रिश्ता होता है, आप इसे कलंकित करना क्यों चाहती है चाची, भगवान के लिए मुझे जाने दे चाची माँ, नहीं तुझे मैं दिलो जान से ज्यादा चाहती हूँ, तुझे अपनी पलकों में बिठा के रखना चाहती हूँ, सच में तेरी कसम तुझे बहुत प्यार करती हूँ, आजा और लगा ले मुझे अपने गले से, तुझे मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकती, ना जाने मुझे क्या हो गया है, आजाना ए बत्तमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चाची बा, तो कब से समझा रही पर तू माने नहीं, कब से समझा रही मारे हंटर से चमड़ी उड़ा दू तेरी लाश तड़पे की, तो अरे ये मैंने क्या कर दिया, नहीं मैं नहीं मरूंगी, जिसे मैं प्यार करती हूँ और हमने उसी पर हाथ उठा दिया, नहीं भारत माफ कर दे मुझे, कहीं लगा तो नहीं, ना करूंगा प्यार तुझसे, ना करूंगा प्यार तुझसे, मक्कार चाची सुन ले तू, अब जो तेरे जी में आए सो वही अब कर ले तू, सेज पर तेरी कभी ये भारत ना पग धरे, पाप नीता
तलवार चाहे तू गले मेरे धरे, निर्दोष जाऊ स्वर्ग को, निर्दोष जाऊ स्वर्ग को, या मेरे भगवान जो धर्म पर मैं मरूं वो परम पद मुझको मिले। आराम ज्यादा बड़ा आया है परम पद वाला, हरिश्चंद्र का नौना बनता। एक भारत और मानी जा कहना मेरा, मानी जा कहना मेरा, ना वश से इनकार कर, और यहाँ पलंग पर मेरे चैन से आराम करना। माने कहना मेरा, करना माने कहना मेरा, फिर पीछे पछताएगा। मारूंगी तलवार से मुल्के या दब को जा, चाचीबा आप इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। चाचीबा ये सर आपकी कदमों में हाजिर है चाचीबा, लेकिन ये भारत ऐसे खोटी खरब कभी नहीं करेगा। ऐ सितम कर सता ले से करूंगा नहीं। कमली उड़े और चाहे गर्दन कटे, पति कुमारक पे मई धरूंगा नहीं। हेलो, ये हमारे घर मालिक साहब 20 रुपया इनाम दे रहे, कह रहे हंटर बराबर चलना चाहिए चाहे जो हो जाए। भारत मैं तेरे प्यार को पा नहीं सकूंगी तो आज तेरी चाची माँ तेरे प्यार के लिए अपनी जान दे देगी। नहीं रहूंगी, प्यार को नहीं पा सकूंगी तो इस जहां में मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। नंबर एक और नंबर दो और मुझे मंजूर है चाची माँ, मुझे मंजूर है चाची बा। क्या कहा भारत? चाची बा आप इस बंद कमरे में अपनी जान न दी। चाची बा आप जैसा चाहती है मैं वैसे ही करूंगा। चाची बा तो ठीक है आजा और लगा ले मुझे अपने गले से। या भगवान मैं क्या करूं, यदि मैं चाची की बात नहीं मानता तो चाची माँ अपनी जान दे देगी,
तब भी हमारे पिता के वचन टिक जाएंगे। कुछ भी हो जाए मैं अपनी चाची माँ को मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। भारत क्या सोचता है? चाची माँ आ जा। भारत ये तू क्या करने जा रहा है? अपने पिता के दिए हुए 5 वचनों को भूल गया? नहीं सावधान, नहीं मुझे सब कुछ याद है। ए आवाज, ए आकाशवाणी, चाची चाची मां, चाची मां, या भोलेनाथ आपकी लीला परंपार है। मेरी चाची माँ प्रेम सागर में गोता लगा रही है। अच्छा मौका है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। मैं यहां से भाग जाऊंगा।